नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पर्वती ब्रास समाज रामलीला कमेटी सी बिलोक साहिबाबाद गाजियाबाद में। यहाँ की रामलीला कई वर्षों से बहुत ही सुंदर हो रही है और हम इस रामलीला के विषय में हमारे साथ मौजूद है रामलीला के अध्यक्ष जी रावत जी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या कुछ हर साल के अपेक्षा इस साल कुछ खास है, आइए पूछते हैं। नमस्कार रावत जी। रावत जी, हर साल के अपेक्षाकृत क्या कुछ खास है आपकी रामलीला कमेटी में? इस बार बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन किया हम लोगों ने। आपने देखा ही होगा यहाँ पे अच्छा पंडाल और जनता का बीच में जो भी आया है रिस्पॉन्स, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है इस बार हर साल के अपेक्षाकृत? इस बार ही बेटर किया हमने, बहुत अच्छा किया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं आपकी, सारे पुलिस वाले भी यहाँ पे आते हैं, हमने अपने वो भी रखे हुए हैं वॉलंटियर भी, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। आज क्या रोल प्ले हो रहा है आपका? आज हमारा प्रथम दृश्य जो है सुरपुरखा का है, इसमें सुरपुरखा का आपको नक्शिका वेदन का है और आज की तारीख जो रामलीला चलेगी वो रावण और सीता हरण तक चलेगी। अच्छा, आपके यहाँ कुछ शुरुआत है कि पहले आपके अध्यक्ष आई थिंक भूपेंद्र सिंह जी थे, तो उनका क्या कुछ कारण रहा जो कि यहाँ से आपसे अलग हो गए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो उसी में चुना जाता है अध्यक्ष, तो उनके उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो अब तो नई कार्यकारिणी और हमारे को मिली है, हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ इसका, जो चुनाव हुए थे। जो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी, हम तो बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे रावत जी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और बहुत सुंदर इन्होंने बताया, हमारे सवालों का जवाब दिया है। गाजियाबाद से।